हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? तो आप लोग भी अगर ग्वालियर आ रहे हो, ग्वालियर में आपको रहना है, रूम देखना है, तो ग्वालियर में ना सबसे, अगर आप लेडीज हो या जेंट्स हो वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर आप हो कि किसी रूम में रुकते हैं या फिर कहीं रूम लेके रहते हैं या फिर पीजी लेते हैं या फिर फ्लैट लेते हैं कहीं भी, तो ग्वालियर में कोई चीज़ सस्ती वो मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। ग्वालियर का जो माहौल है ना बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, आराम से जा सकते हैं, लोग भी ठीक है, इतना उधम वगैरह नहीं होता है यहाँ पर, है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत सारी मिलेगी, वो है मंदिर। तो अब बात आते हैं, अगर आप लोगों को रूम ही चाहिए और ऐसा रूम चाहिए जो थोड़ा अच्छा हो, तो देखो मैं बात करूँगा ना, तो आप किसी भी होटल में रुको, क्योंकि देखो होटल में अगर रुकोगे तो वो 1000 से कम तो लेगा ही नहीं, वैसे ओयो वाले हैं 300-400 ले लेते हैं ना। तो और दूसरा वह ना खाना मिलेगा ना कुछ, उससे बढ़िया कोई पीजी देखो जहाँ भी रुको, क्योंकि ग्वालियर में हर जगह हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए चाहिए होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ आप रुक सकते हो, लेकिन एक महीने के लिए, और एक महीने का उसका होता है अबाउट 6000 के आसपास। अगर एक महीने नहीं रुकते, 15 दिन भी रुकते हो तो 15 दिन का भी बहुत है। और ये रूम, अगर रूम लेते हो तो रूम की बात करें तो रूम आपको अकेले में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं रूम देखने में, क्योंकि यहाँ के लोग ना थोड़ा सा झिझकते हैं, एक रूम हर कोई घर में नहीं देता है। अगर आप लड़की हो तो बिल्कुल ही मतलब आपको रूम मिलेगा ही नहीं, अगर आप लड़के हो तो भी नहीं मिलेगा एक दो दिन में। तो आपको पीजी ही बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा होटल्स हैं यहाँ बाहर, मतलब आसपास ही आसपास होटल्स हैं, उनमें रुक सकते हैं। तीसरा तीन यहाँ पे मतलब आश्रम है जिनको धर्मशाला बोलते हैं, एक गोल्डन जैन धर्मशाला है जो कि ओल्ड हाईकोर्ट के पास में है, मतलब ये ओल्ड हाईकोर्ट सामने है, इसके पास में ही है ना। और फोर्ट की बात करें तो यहाँ से ओल्ड हाईकोर्ट से फोर्ट भी अबाउट 3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ से पास में है, मतलब यहाँ से सारी जो ग्वालियर की मेन चीज़ है ना वो एकदम पास में है। तो अगर रूम चाहिए ना, आप समझ में आएगा कहाँ लेना है ना। और चौथा, ग्वालियर के ना ऑटो का किराया ठीक है, सस्ता है, यहाँ लोग लूटपाट नहीं करते, क्योंकि यहाँ सिटी वाले ऑटो चलते हैं नंबर वाले, तो उनकी वजह से 10-20 रुपए में कहीं भी आराम से जा सकते हो, यहाँ मेट्रो जैसा ही माहौल मिलता है तुम लोगों को, मतलब हम लोगों को। और खाने के लिए यहाँ इमरती बेस्ट है, इमरती स्पेशल रहती है यहाँ खाने में, इमरतियाँ हर जगह मिल जाएंगी। उनके अलावा कोई भी अगर चाइनीज वगैरह फूड है या कॉफ़ी वगैरह है तो ऐसी, या हेयर सलून वगैरह है तो इनकी तो आस ही छोड़ देना कि ये चीज़ यहाँ मिल सकती है आसानी से। ये चीज़ें तो ये समझ लो इतनी महंगी समझ लो, क्योंकि जो महंगी चीज़ें होती हैं वही नहीं मिलती हैं, और यहाँ ये चीज़ें मिलती ही नहीं है। तो इसकी वजह से अगर ग्वालियर आते हो ना तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना भाई, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी सिटी है वैसे, लेकिन यहाँ के लोग हैं ना वो अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग स्टेबल पड़े हुए हैं यहीं। ओके, बाय बाय, ध्यान रखो बे अपना। तो अगर आप ग्वालियर में हो और ग्वालियर में कोई अच्छा रूम देख रहे हो, सस्ता देख रहे हो, तो वैसे तो ये सारे यहाँ के लोग महा मादरचोद हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा रूम मिल जाएगा 3-4 हज़ार रुपये में, जिसमें एक पंखा होगा एंड एक बेड होगा, जिसमें बेडशीट अपनी खुद की रखनी होगी, दूसरा ये चूहों वाले बिल होंगे, तीसरा इसमें बढ़िया अरगनी मिल जाएगी आपको टांगने के लिए, चौथा बोर्ड मिल जाएगा, पाँचवा गेट मिल जाएगा जिसके नीचे ईंटें लगी हुई हैं, चौथा आप देख सकते हैं खुद साफ करना पड़ेगा, और बाकी आप देख ही सकते हो बाहर कितना बढ़िया है। एक ही चीज़ अच्छी थी, इस पैर से खिड़की थी, अभी मुझे कुछ काम था यहाँ तो इसकी वजह से मैं आया था और यहाँ रूम लेना था, लेकिन यहाँ के लोगों को देख करके लगा मुझे ये लोग बहुत ही MF हैं, मतलब MC MF सब कुछ बोल सकता हूँ मैं इनको, वो हैं, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको रूम चाहिए तो मतलब ऐसा मिल जाएगा, और ये जो जगह है वो है ओल्ड हाई कोर्ट के आसपास। ओके,